लास्ट वीडियो में हम ये देखे कि हमारे फेसबुक को हम सिक्योर कैसे बनाएं, लेकिन वो एक वीडियो में पॉसिबल नहीं था। फेसबुक जो है एक काफ़ी बड़ा टॉपिक है, तो आज से हम स्टेप बाय स्टेप उसको कम्प्लीटली डिटेल देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हमारे सामने आती है हमारी प्रोफाइल। प्रोफाइल हम यहाँ से भी क्लिक करते हैं, प्रोफाइल पे यहाँ से भी क्लिक करते हैं, और ये हमारा होम। तो हम पहले प्रोफाइल देखेंगे, बाद में होम देखेंगे। होम में और प्रोफाइल में क्या डिफरेंस है? होम वो होता है जहाँ सबकी पोस्ट आपको अवेलेबल मिलेंगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमारा होम है। यहाँ पे किसी अविनाश की पोस्ट है, यहाँ टिकटॉक की पोस्ट ऐड है, देन यहाँ किसी और की पोस्ट है। इस तरह अलग अलग यहाँ पे आपको पोस्ट मिल रहा है। अगर हम प्रोफाइल पे क्लिक करें तो आपको प्रोफाइल पे सिर्फ मेरे ही पोस्ट मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं इस प्रोफाइल पे मेरा प्रोफाइल है, देन यहाँ पे कम्प्लीटली आपको मेरे ही पोस्ट मिलेंगे। तो हमको हमारे प्रोफाइल पे सिर्फ हमारे ही पोस्ट मिले, उसके लिए हमको हमारा प्रोफाइल सिक्योर बनाना है। उसके लिए बहुत सारी सेटिंग है। अगर हम होम पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको आपका यहाँ पे कोई प्रोफाइल नहीं मिल रहा है, यहाँ पे मल्टीपल अकाउंट्स मिल रहे हैं, मल्टीपल पोस्ट मिल रहे हैं। तो सबसे पहले आपको आपका प्रोफाइल सिक्योर रखना है। तो हम आ गए प्रोफाइल पे। प्रोफाइल में मैं लास्ट में आपको लास्ट पहली या दूसरी वीडियो थी उसमें बताया था कि कवर पेज कैसा बनाते हैं हमारे प्रोफाइल का। तो यहाँ पे हम क्लिक करके कवर पेज चेंज कर सकते हैं। अगर सिलेक्ट फ़ोटो बोले तो यहाँ बहुत सारी फ़ोटोज़ है, हम उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर मैं इस पर क्लिक करूँ तो ये फ़ोटो सिलेक्ट होंगे, देन इसको ड्रैग कर सकता हूँ। हमेशा ड्रैग करने के बाद सेव चेंजेस बोलूँगा। देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल चेंज हो गई। अगर और मैं कुछ चेंज करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा, क्लिक करके सिलेक्ट आर्टवर्क बोलूँगा। यहाँ पे कंप्यूटर की तरफ से कुछ आर्टवर्क है, इसमें से जो भी चाहिए मुझे वो सिलेक्ट कर लूँगा, आ जाएगा। मैं नहीं करता हूँ उसको, देन इस पर क्लिक करूँ तो आप यहाँ पे मल्टीपल फ़ोटो ले सकते हैं। जैसे कि एक ये है, सेकंड ये है, देन थर्ड ये है, फोर्थ ये है, फिफ्थ ये है। सेव कर देता हूँ मैं इसको। तो आप देख सकते हैं हमारी प्रोफाइल ऐसा दिखेंगी जिससे मल्टीपल इमेजेस रहेंगी। और हम इसको चेंज करते हैं, अपलोड फोटो बोलते हैं। तो यहाँ से हम अपनी न्यू फोटो कुछ भी अपलोड कर सकते हैं। मैं चाहता हूँ ये फोटो अपलोड करना, इस पर क्लिक करके ओपन बोलूँगा। ये फोटो हमारे पास अपलोड हो गई, इसको मैं मैनेज करूँगा ड्रैग करके और सेव बोलूँगा। तो हम इसमें सभी ऑप्शन देखें कि हमारी जो प्रोफाइल है, कवर फोटो है प्रोफाइल का, उसको कैसा चेंज करें। लास्ट टाइम मैं आपको बताया था कि कैनवा एप्लीकेशन के जरिए, हम कैनवा सॉफ्टवेयर के जरिए कैसा हमारा प्रोफाइल बना सकते हैं। अब आते हैं यहाँ पे अपलोड बोले, देन आप यहां से डायरेक्ट अपलोड फोटो बोल सकते हैं या फिर यहां से सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे आप अपलोड फोटो बोलेंगे तो हमारा ऑप्शन वही जाएगा, यहां से आप कोई भी एक पिक्चर सेलेक्ट करेंगे और ओपन बोलेंगे। इसको सेट कर सकते हैं हम इस तरह सेट करके। आपको इसको टेम्पररी रखना है क्या? अगर आप इस पे क्लिक करेंगे तो कितने दिन के लिए रखना है आपको? वन डे, वन मंथ, वन आवर या कस्टम?
यहाँ से आप डेट सेट करेंगे और सेट बोलेंगे, तो ये प्रोफाइल उतने टाइम तक रहेगा, बाद में क्लियर हो जाएगा। इसको अगर हम सेव बोले तो हम देख सकते हैं यहाँ पे प्रोफाइल चेंज हो गई। हम फिर से इस पे क्लिक करते हैं। देखिए जैसा कि मैं आपको बताया था, आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताने वाला हूँ मैं, तो आपको अगर फेसबुक में प्रोफेशनल बनना है, परफेक्ट बनना है, तो आपको इस तरह से मेरी इस वीडियो के सीरीज को कम्प्लीटली फॉलो करना है, ताकि आपको एक एक ऑप्शन डिटेल में पता चले। इससे बहुत सारी चीज़ें ऐसी, तो मैं आपको हर चीज़ बताऊँगा। इस पर क्लिक करें, अब आप यहाँ से कुछ चूज़ कर सकते हैं। तो सेम इस पर क्लिक करके आप सेव करें तो फोटो यहाँ पे ऐड हो जाएंगी। सेव बोलते हैं हम यहाँ से। फिर से हम इस पे क्लिक करके चेंज करते हैं। हमारे पास एक ऑप्शन अब यहाँ पे ऐड फ्रेम, इसके साथ हमको किस तरह की फ्रेम ऐड करना है, हम यहाँ से फ्रेम ऐड कर सकते हैं। बहुत सारे फ्रेम्स हैं यहाँ पे, अगर आपको ये चाहिए क्लिक कर लेके आप इसको रिसाइज कर सकते हैं ड्रैग करके। आप चाहे तो यहाँ से पिक्चर चेंज कर सकते हैं, आप चाहे तो यहाँ से अपनी ऑन थीम भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ से रिसाइज कर सकते हैं आप, और आप यूज एज ए प्रोफाइल पिक्चर बोल देंगे। यहाँ से आप टोटली टाइम वगैरह सब चीज़ सेट कर सकते हैं। यहाँ से हम थंबनेल को एडिट कर सकते हैं, सेव बोल देते हैं अभी हम। नेक्स्ट, ये तो हमारा नाम है, अगर हम यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं कि हमने कवर पे जो ऑप्शन है वो देखिए, प्रोफाइल के जो ऑप्शन है उसको देखिए। अब एडिट प्रोफाइल अगर हम बोले तो हमारी कम्प्लीटली प्रोफाइल एडिट होंगी, जैसे हमारा बायो, देन एडिट फीचर, देन यहाँ से कस्टम व्यूअर इंट्रो, देन सेल्फ एम्प्लॉयड है, वर्क के बारे में, एजुकेशन के बारे में, हम कहाँ रहते हैं उसके बारे में, होम टाउन के बारे में, देन हमारे साथ जो कौन कौन ज्वाइन है फेसबुक पे, फॉलोअर्स कौन है, कितने हैं, तो कम्प्लीटली हमको यहाँ पे डिटेल मिलेगी। यहाँ से जो पेंसिल का बटन दिख रहा है, पेन का बटन, यहाँ से एडिटिंग होगा। मैं इसको क्लोज करता हूँ, तो यहाँ से हम एडिट प्रोफाइल कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड में जो हमारा प्रोफाइल यहाँ पे कम्प्लीट दिखा जा रहा है, जैसे यहाँ पे इंट्रो है, देन यहाँ पे इसको चेंज भी कर सकते हैं, देन यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेल है, रिलायबल सोल्यूशन कम्प्लीटली डिटेल है यहाँ पे, देन यहाँ पे इंस्टाग्राम का है, पिंटरेस्ट है, यूट्यूब का है, ट्विटर है, कम्प्लीटली यहाँ पे डिटेल है। आप इस चाहे तो इसको डिटेल चेंज कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे इस पर क्लिक करें तो डायरेक्ट हम लोग जो पहुँचेंगे वो यूट्यूब पे पहुँचेंगे। यहाँ पे पेज अवेलेबल नहीं बता रहा, यूआरएल का कुछ प्रॉब्लम होगा इसलिए ऐसा हो रहा। हम पिंटरेस्ट पे क्लिक करते हैं तो हम देख सकते हैं यहाँ पे हम पिंटरेस्ट पे आ गए, रिलायबल सोल्यूशन का जो पिंटरेस्ट था, हम यहाँ पे डायरेक्ट इस पिंटरेस्ट के पेज पे आ चुके हैं। देख सकते हैं यहाँ पे पिंटरेस्ट पे आ गया, तो हम यहाँ पे रिलायबल सोल्यूशन बता रहा है कि टोटल इंप्रेशन कितने हैं, सेल्स कितने हैं, लिंक्स कितने हैं, देन क्लिक्स कितने हैं, यहाँ पे कितने व्यूवर्स हैं मंथली, देन कितने फॉलोअर्स हैं, कंप्लीट यहाँ पे डिटेल बताता है। तो आपकी जो प्रोफाइल है वहाँ पे आपके बायो में कम्प्लीटली आपके पास जो जो सोशल मीडिया के एप्लीकेशन है उसको यहाँ पे सेव करके रख सकते हैं।
यहाँ आपके पूरी कंप्लीटली फोटोज़ बताएगा, जो जो आपके पास फोटो स्टोर है, कंप्लीटली आपके बारे में यहाँ पे डिटेल बताएगा। देन आपका जो लाइव इवेंट है जो ऐड करे थे आप, वहाँ पे पूरा डिटेल जो जो आप ऐड किए थे वो बताएगा। देन यहाँ पे अगर आप राइट क्लिक करते हैं तो यहाँ आपके पूरे पोस्ट बता रहा है, कंप्लीटली पोस्ट बता रहा है आपको। जब आप पोस्ट देख रहे हो ना, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह से ऊपर एक टैब आ रहा है, आप अगर ऊपर क्लिक करो अब हट जाएगा, आप नीचे आओ अब आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे टाइमलाइन पे, क्योंकि ये आपकी टाइमलाइन है तो आपको टाइमलाइन ही दिखाएगा। अगर आप इस पे क्लिक करोगे अबाउट पे, तो आपके बारे में भी दिखाएगा। तो आप देख सकते हैं आप अबाउट में आ चुके हैं, ये आपकी टाइमलाइन है जहाँ पे आपके आपकी पूरी पोस्ट नज़र आएंगी, जो जो आप किए थे, और ये आपके बारे में बता रहा है अबाउट पे बोले तो ये आपके बारे में पूरी डिटेल बता रहा है, वर्क एंड एजुकेशन, वेयर आर यू लिव, देन अबाउट योर फैमिली एंड अबाउट योर कंप्लीट डिटेल्स, लाइफ इवेंट्स, एवरीथिंग। तो यहाँ पे सब कुछ आपको बता रहा है। देन आपके फ्रेंड्स के बारे में बता रहे हैं यहाँ पे कम्प्लीटली, आपके कौन कौन फ्रेंड्स है, देन फोटोज़ वगैरह कम्प्लीटली आपके बारे में यहाँ पे डिटेल मिल रही, वीडियोज़ वगैरह, वीडियोस कौन से हैं, देन यहाँ से चेक इन्स कहाँ कहाँ किए आप, स्पोर्ट्स के बारे में, म्यूजिक, बुक्स, कम्प्लीटली अब आपके बारे में जो जो आपकी प्रोफाइल है उसके बारे में डिटेल बता रहा है। तो हम जब ऐसा आते हैं तो अभी अबाउट है, हम फिर टाइमलाइन पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ हमको जब हम नीचे आते हैं तो हमारे सामने दो ऑप्शन दे रहा है, एक टाइमलाइन और एक अबाउट। और अगर इस पे क्लिक करें तो ये तो हमारी प्रोफाइल ही है, प्रोफाइल पे हमको लेके जाएगा, ये तो हमारी प्रोफाइल है। तो हमारे सामने ये जो है टाइमलाइन है, टाइमलाइन किसको बोलेंगे हम, जो हमको दिख रही है ना, ये टाइमलाइन है हमारी कंप्लीट, यहाँ पे पोस्ट नज़र आएंगी, ये टाइमलाइन है। और उसके बाद में हमारे पास अबाउट है, अबाउट बोले तो हमारे बारे में कम्प्लीटली यहाँ पे डिटेल्स है, हम और चाहे तो हमारे बारे में कुछ ऐड कर सकते हैं यहाँ पे, ये डिटेल्स है पूरी। और हम थोड़ा नीचे आते अबाउट पे, अगर आए तो अबाउट पे आने के बाद में हमको ऊपर वो जो बता रहा था यहाँ पे टैब नहीं बताएगा, हमको टाइमलाइन पे आना पड़ेगा क्योंकि हम उसी को देख रहे हैं। टाइमलाइन पे आए तो अब देखते बताएगा। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको राइट साइड में बता रहा है 2020, आपको 2018 की पोस्ट देखना है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे 2018 के पोस्ट है, ये 2018 की पोस्ट है, ये 2001 का बता रहा है, प्रोफाइल बता रहा है। इसी तरह 2001 का ये बता रहा है, देन 2019 एक्चुअल अकाउंट एक्टिवेट है 2018 से है, तो आपको कम्प्लीटली 2019, 18, 19, 20 और रिसेंट, तो आपको अभी फ्लोगत के जो लेटेस्ट पोस्ट है वो दिखाएगा। जैसा अभी आप ये चेंज किए तो वो भी आपको बताएंगे, यहाँ पे प्रोफाइल पे आ जाता है। आप चाहे तो इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं, अगर डिलीट का ऑप्शन नहीं दिया तो हाइड फ्रॉम टाइमलाइन बोल देना, हाइड। तो आप देख सकते हैं ये हमारा टाइमलाइन था और ये अबाउट अस था। देन टोटल उससे पहले टाइमलाइन पे आते हैं और राइट साइड में ऑप्शन बता रहा है मैनेज पोस्ट, आपकी जो पोस्ट है उसको मैनेज करना है। कैसे मैनेज करना है, जैसे ये पोस्ट है, ये पोस्ट है, ये पोस्ट पे क्लिक करेंगे, यहाँ क्लिक होगा, क्लिक करने के बाद में ऑप्शन पूछ रहा है यू कैन हाइड और डिलीट द पोस्ट सिलेक्टेड। जैसा कि अभी ये बोला था मैं डिलीट करना है बोल के, ये पोस्ट अगर डिलीट करना है, दो पोस्ट सिलेक्ट किया, टोटल 50 पोस्ट है मेरे पास, नेक्स्ट करता हूँ। देन आपके सामने ऑप्शन पूछ रहा है आपको रिमूव, अगर टैग टैग तो नहीं है यहाँ पे, अगर टैग है तो रिमूव होते थे, डिलीट का भी नहीं, हाइड पोस्ट और डन, हाइड पोस्ट। तो यहाँ से वो दो पोस्ट है जो हाइड हो जाएंगे।
से आते हैं हम यहाँ पे टाइमलाइन पे आते हैं। मैनेज पोस्ट पे गए तो हम यहाँ से जो भी पोस्ट हमको ऐड डिलीट करना है या हाइड करना है, यहाँ से हाइड और डिलीट कर सकते। लिस्ट भी बोले तो यहाँ से इस तरह लिस्ट दिखेंगी। फिर से हम जाते, यहाँ पे भी ऑप्शन है, और ग्रिड भी बोले तो आपको यहाँ पे इस तरह से ग्रिड नहीं दिखेगा। सेम वही ऑप्शन टाइमलाइन पे है, लिस्ट और ग्रिड। ग्रिड में आपको ऐसी पोस्ट दिखेंगी इस तरह से, और लिस्ट में आपको वन बाय वन दिखेंगे इस तरह से। इस तरह से आपको वन बाय वन पूरी पोस्ट दिखेगी। तो मैं आपको यहाँ तक बता चुका हूँ। देन यहाँ से हम ये भी ऑप्शन देख चुके हैं, मैनेज पोस्ट वगैरह एवरीथिंग, ये हमारा हो चुका। नेक्स्ट आते हैं हम फ्रेंड्स के ऊपर। फ्रेंड्स के ऊपर आया था, हमको यहाँ पे हमारे पूरे कंप्लीट फ्रेंड्स दिखा रहा है, कितने फ्रेंड्स है, रिसेंट ऐड कौन से है, देन जिनके बर्थडे जो वो कौन है। हमको यहाँ पे कम्प्लीटली डिटेल दे रहा है। देन करंट सिटी के कितने हैं, जैसे कि मैं जिस सिटी में रहता हूँ वहाँ पे रहने वाले कितने हैं, देन होम टाउन के कितने हैं, मुझे फॉलोअर्स कितने हैं, देन फॉलोइंग करने वाले कितने हैं, कम्प्लीटली फ्रेंड्स की लिस्ट दिखा रहा है यहाँ पे। यहाँ पे फाइंड रिक्वेस्ट, जो मुझे रिक्वेस्ट भेजे है वो फाइंड हुए, तो वहाँ पे मैं चाहो तो उनको कन्फर्म कर सकता हूँ। तो जब भी मुझे किसी को कन्फर्म करना है या डिलीट करना है रिक्वेस्ट, तो मैं क्या करूँगा, पहले पोस्ट के बारे में देखूंगा, उसकी प्रोफाइल देखूंगा कि बंदा कौन है, क्या है, उसका बिजनेस है क्या, एजुकेटर है क्या है, उसके बारे में कंप्लीट डिटेल करने के बाद में अगर मैं चाहूँ तो उसको कंफर्म करूंगा, अदरवाइज डिलीट करूंगा। जैसे मैं सुरभि गुप्ता को कंफर्म करता हूँ, देन इसको डिलीट कर देता हूँ, ये डिलीट कर देता हूँ। तो मैं जिसे चाहूँ उसे रख सकता हूँ, जिसे चाहे उसे डिलीट कर दे सकता हूँ। और अगर आपको स्पैम में रखना है तो आप अगर इस पर क्लिक करते हैं पोस्ट स्पैम में भी चले जाएंगी। अब आप यहाँ पे रिस्पॉन्स में थे, आप बैक आइए इस बटन से। हम थे फ्रेंड्स में, तो मैं आपको फ्रेंड्स अलग अलग कैसे फॉलो कर रहे हैं, देन रिक्वेस्ट बताया, देन फाइंड फ्रेंड बोले तो आप यहाँ से भी फाइंड फ्रेंड मिल जाएंगे आपको। आप चाहे तो आपके फ्रेंड सर्च कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके, अगर आपको ढूंढना है अकोला फ्रेंड। तो यहाँ पे अकोला के पूरे फ्रेंड्स आ रहे हैं, जैसे HMC, आकोट रोड, अलग अलग पोस्ट आ रहे हैं। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करें, सर्च करें, आपके सामने बहुत सारे यहाँ पे ऑप्शन आए। ये ऑप्शन पेज से रिलेटेड है तो हम इसको बाद में देखेंगे। तो आपको जिसको भी, अगर जैसे यहाँ पे ग्रुप्स भी है और फ्रेंड भी है, जैसे जो भी बंदे का नाम है, जैसे समीर ढूंढना चाहता हूँ मैं यहाँ पे, मेरे पास अलग अलग समीर आ रहे हैं। अब मैं चाहूँ तो समीर को फ्रेंड बना सकता हूँ। सपोज अगर मुझे ये फ्रेंड बनाना है, इस पे क्लिक करता हूँ मैं, तो इसे मुझे क्लोज फ्रेंड बनाना है या नोटिफिकेशन देना है, या इस ऑप्शन पे क्लिक करके लेना है, या अनफ्रेंड करना है अगर फ्रेंड है तो, या फिर अनदर लिस्ट में करना है। अनदर लिस्ट बोले तो रेस्ट्रिक्टेड में करना है, या कुछ न्यू लिस्ट बनाना है, न्यू लिस्ट का नाम देंगे, या फिर यहाँ पे क्लिक करके इसको मैसेज भेजेंगे। तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं यहाँ से। लेकिन फेसबुक पे आप जब भी कुछ काम करते हैं तो बहुत सोच समझ के कीजिए, क्योंकि आपकी वजह से किसी को तकलीफ ना हो। कुछ लोग इसमें प्रोफेशनल होते हैं, आपके एक टैग की वजह से, एक कमेंट की वजह से, एक मैसेज की वजह से उनको तकलीफ हो जाती है। तो हमेशा कम्युनिटी का ध्यान रखते हुए फेसबुक पे वर्क करना चाहिए और अपने आप को भी सेफ रखना चाहिए। तो हमने देखे फ्रेंड, अब यहाँ से हम एडिट भी कर सकते हैं। एडिट में हमको एडिट प्राइवेसी बोल रहा हूँ,
एडिट प्राइवेसी बोल रहा, तो अब ये मेन चीज़ हमारे लिए सेटिंग है। ये अभी तक हमने देखे कि हमारे प्रोफाइल को हम चेंज कैसे किए, देना टाइमलाइन क्या थी, देना अबाउट अस क्या था, देन अब फ्रेंड पे जब हम आए तो हमारे फ्रेंड कौन कौन होने चाहिए, जैसे कि हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। आपके पास 5,000 फ्रेंड है, क्योंकि आपकी जो प्रोफाइल होती है उस पर मैक्सिमम जो लिमिट होती है 5,000 ही होती है, 5,000 ही होती है। तो आपके पास 5,000 या उससे कम है जो फ्रेंड लिस्ट है। अब आपके पास कुछ ऐसे फ्रेंड होते हैं जो कि काफ़ी अपने आप को सेकर रखना चाहते हैं, तो बंदे ने तो अपने आप को सेकर रखा है, लेकिन आपके पास वो जब फ्रेंड है तो आपके जो फ्रेंड है वो आपके फ्रेंड को देख सकते हैं, मतलब हु कैन सी योर फ्रेंड लिस्ट। तो आपके फ्रेंड को की लिस्ट को कौन कौन देख सकता है, तो मैं यहाँ पे ओनली मी कराऊँ, यानी मेरे जितने फ्रेंड है वो मेरे साथ जुड़े हैं तो सेफ है, मेरे साथ जुड़ने के बाद भी उन्हें कोई भी नहीं दे सकता मेरे अलावा, क्योंकि मेरे फ्रेंड है वो। क्योंकि इसमें बहुत सारे फेसबुक में जो है कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है, तो यहाँ पे मिसयूज भी होता है कुछ, तो इसलिए अपने आप को हमेशा सेकर रखिए सोशल मीडिया पे, फेसबुक बोल के नहीं कोई भी सोशल मीडिया पे। तो मैं यहाँ पे ओनली मी के हूँ, आप यहाँ चाहे तो यहाँ से, आप चाहते कि नहीं आपके फ्रेंड देखे इसको, आप चाहते कि नहीं आपके कुछ फ्रेंड छोड़कर देखे, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे। अब आपके कौन से फ्रेंड छोड़कर देखे उस उनका नाम ऐड कर देंगे यहाँ पे। जैसे मैं नाम ले लेता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ और सेव चेंजेस बोलता हूँ, तो ये छोड़कर मुझे देखे, ये कस्टम हो गया। नहीं, मैं चाहता हूँ, इस पर क्लिक करता हूँ, और बहुत सारे आ गए। स्पेसिफिक लोग ही देखे इसको, तो मैं यहाँ से स्पेसिफिक लोग यहाँ पे सिलेक्ट कर लूँगा। यहाँ से मैं सिलेक्ट कर लूँगा तो सिर्फ वही लोग मेरे फ्रेंड लिस्ट को देख सकते हैं, या फिर कस्टम पे अगर क्लिक करें तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं कौन देखे और कौन ना देखे, कम्प्लीटली शेयर विद, तो दिस पीपल्स और लिस्ट यहाँ पे आप ऐड करेंगे। अब जैसे यहाँ पे डोंट शेयर विद, इसके साथ शेयर नहीं करना है, किसके साथ शेयर करना है उनके नेम नंबर्स यहाँ पे ऐड करेंगे, जिनके साथ नहीं करना है वो यहाँ पे करेंगे। जैसे मैं पहले मोइस लिया था, तो मैं यहाँ से इसको हटा देता हूँ, मैं चाहता हूँ इन्हों भी डोंट शेयर में ना रहे, सेव चेंजेस बोल देता हूँ। अब मैं यहाँ से फ्रेंड नहीं, मुझे ओनली मी रखना है, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं उनका डेटा किसी और के पास शेयर हो। और वैसे भी आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो डेटा रहता है, अगर हम इस तरह से सेटिंग नहीं करें हमारे फेसबुक में, तो हमारा डेटा कंपनी के पास, इधर के मतलब थर्ड पार्टी के पास शेयर होता है, और यहाँ तक कि हमारे जो वॉइस वगैरह है ये भी शेयर होती है। तो कभी भी अलर्ट रहिए सोशल मीडिया से, और कुछ भी वर्क करते हैं तो अपने आप को सेटिंग के साथ रखिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं ओनली मी रखा, देन फॉलोइंग, हु कैन सी द पीपल पेजेस एंड लिस्ट यू फॉलो, मतलब मेरे जो पेजेस और मैं जिनको फॉलो कर रहा तो कौन देख सकता है। तो यहाँ पे भी सेम सेटिंग है, यहाँ भी मैं सिर्फ ओनली मी रखा हूँ। देन फॉलोअर्स, हु कैन सी योर फॉलोअर्स ऑन योर टाइमलाइन। अब जो मैं आपको शुरू में टाइमलाइन बताया हूँ, जैसे कि टाइमलाइन थी, अब मेरे टाइमलाइन पे हु कैन सी योर फॉलोअर्स ऑन योर टाइमलाइन, मेरे टाइमलाइन पे जो जो फॉलोअर्स है उसको कौन देख सकता है, अगर फॉलोअर्स है भी तो। हम चाहे तो फॉलोअर्स रख सकते हैं, जैसा कि मैं मेरे इस पे रखा कि मेरे इस पे कोई फॉलोअर्स नहीं चाहिए मुझे, ना ही मुझे कोई कमेंट करे टैग करे, ना ही कोई फॉलोअर्स चाहिए, तो मैं ओनली मी रखा हूँ। तो मेरे टाइमलाइन पे जो फॉलोअर्स है भी तो उससे कोई नहीं देख सकता मेरे अलावा। तो ये सेटिंग है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग सेटिंग है, और आप इस सेटिंग को ध्यान में रखिए और कीजिए। मैं डन करता हूँ, तो फिर से देखिए टाइमलाइन, हमारी टाइमलाइन है जिसपे हमारी पोस्ट रहती है, अबाउट हमारे बारे में है, और फ्रेंड जो है हमारे फ्रेंड्स है, और फ्रेंड्स हम जिसमें इम्पोर्टेंट सेटिंग है यहाँ से कि हमारे पोस्ट को कौन देख सकता है कौन नहीं, हमारे फ्रेंड्स के फ्रेंड्स को कौन देख सकता है कौन नहीं, यहाँ से सेटिंग को आप ध्यान में रखिए। आपके पास अगर फेसबुक है तो उसको ये सेटिंग अगर आप करना चाहते हैं तो कीजिए, कि आपके हु कैन आपके फ्रेंड को कौन देख सकता है कौन फॉलो कर सकता है। तो हम यहाँ तक देखें, आई थिंक वीडियो काफ़ी बड़ी जा रही है, तो कंटिन्यू हम नेक्स्ट इस ऑप्शन के बारे में, देन क्रिएट पोस्ट कैसा करते हैं, देन फोटो वीडियो कैसा अपलोड करते हैं, देन यूट्यूब से सॉरी फेसबुक से वीडियो को डाउनलोड कैसा करते हैं, देन लाइव वीडियो कैसा करते हैं, लाइव इवेंट कैसा मैनेज करते हैं,
यहाँ पे फोटो कैसे अपलोड करते, फ्रेंड्स को टैग कैसा करते, अगर कोई हमको टैग करता है उसको अनटैग कैसा करते, देन यहाँ पे और बहुत सारी चीज़ें, जैसे यहाँ पे क्लिक करें, अब फीलिंग्स, फीलिंग्स क्या, फीलिंग्स आप किसी को भेज रहे हैं, जैसे कि वाचिंग, वाचिंग क्या, जैसे आप यहाँ पे मूवी बोले, तो आप कंप्लीटली इस तरह ले सकते हैं। तो इस तरह कंप्लीटली हम इसको डिटेल देखने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो कोशिश करेंगे हम कल हमारा कंप्लीटली जो रिमेनिंग है इसको काफ़ी, और एक आधा घंटे की वीडियो बनेंगी इस पर, काफ़ी टाइम लगेगा, एक एक ऑप्शन डिटेल है, क्योंकि ऑप्शन आपको पूरे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है फेसबुक प्रोफेशनल बनने के लिए। तो कंटिन्यू हम देखेंगे इसका नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको कुछ डाउट्स है तो आप कमेंट्स लिखकर ज़रूर बताइए, और लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो ओके दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।